और हम चाहते हैं जो थुनाग में जो घटना घटी है जिसमें काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है, उस घटना की जो है सीबीआई जांच करें, वन विभाग के अधिकारी दोषी पाते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह के बीच आरोपों का सिलसिला पुराना है। एक बार फिर दोनों नेता आमने सामने हैं। इस बार मसला थुनाग बाजार में बाढ़ के साथ बहकर आई लकड़ियों का है। गत दिवस नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बिना किसी का नाम लिए कुछ आरोप लगाए थे, लेकिन उनका जवाब देने के लिए आज कांग्रेस नेता कौल सिंह सुबह सवेरे ही सामने आ गए। कौल सिंह ठाकुर ने सरकार से मांग उठाई है कि थुनाग में बाढ़ के साथ बहकर आई लकड़ियों की सीबीआई जांच करवाई जाए। यह मांग उन्होंने आज मंडी में कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व सरकार के समय में अनियमितताएं बरतकर वन विभाग की अनुमति से कई सड़कों का निर्माण हुआ है और उसमें हजारों पेड़ काटे गए हैं। जो लकड़ी बाढ़ में बहकर आई वो भी उसी का ही नतीजा है। इसी कारण लोगों का भारी नुकसान हुआ। सरकार को चाहिए कि सही अधिकारी तैनात करके इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। और हम चाहते हैं जो थुनाग में जो घटना घटी है जिसमें काफी लोगों का नुकसान हुआ है, उस घटना की जो है सीबीआई जांच करें, वन विभाग के अधिकारी दोषी पाते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और जितनी सड़कें वहाँ बिना एफआईआर के बिना फॉरेस्ट कंजर्वेशन के एक्ट के तहत मिली है उनकी भी जांच होनी चाहिए।